अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, बहुत सोच से सहमत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।